ठीक है, लाइटिंग आर्टिस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि भाई चीज़ें हैं क्या, फंडामेंटल्स ऑफ लाइट डिजाइन, ठीक है। लाइट का अलग अलग फंडामेंटल है, लाइक लाइट आ कहाँ से रहा है, दिखाना कैसे है, अलग अलग वे हैं, उन चीज़ को आपको देखना है, समझना है। रेफरेंसेज हैं, उन रेफरेंसेज को थोड़ा सा देखो समझो ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर सको यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो मोटिवेशनल आपके पास कुछ इमेजेस आप देख सकते हो, आप खुद भी क्लिक करो चीज़ों को मैनेज करो, ठीक है, कि कैसा क्लिक है, किस टाइप से पार्ट है, हर एक का लाइट अलग क्यों आ रहा है, ठीक है, कौन सा लैंप लाइट है, कौन सा आपको लाइक ट्यूब लाइट है, तो कौन सा क्लाउड लाइट है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता चलना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन लाइट है, किसमें शैडो बहुत ही हार्ड आ रहा है, किसमें शैडो सॉफ्ट आ रहा है, तो ये चीज़ आपको समझोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा क्या। लाइट में फिर चीट का भी ऑप्शन होता है कि लाइक हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम लोग यहाँ पे चीटिंग करके लाइक कोई चीज़ नहीं है उसका भी हम लोग यहाँ पे इंपैक्ट दिखा के इंपैक्ट दे दें कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उस लाइट के थ्रू हम लोग वो इंपैक्ट दिखा सकते हैं यहाँ पे, तो वही पार्ट होता है क्या कि आप ऐसे कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। विजुअल गो लाइटिंग क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ को आप देखोगे लाइक क्या पार्ट है, किस टाइप से चीज़ों को लाइक ऑब्जर्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिलेगा आपको, ठीक है, कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करो। शेडर के बारे में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, शेडर में है क्या, शेडर में कई ऐसी चीज़ें जो आपको अभी थोड़ा सा नॉलेज में लेके आना है, ठीक है, ये भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सीन्स मेरे पास है, सीन्स में अगर मैं कहूँ तो लाइटिंग चैलेंज जैसे मैंने आपको बताया 3drender.com है ना यहाँ पे, तो वहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। फाइल डाउनलोड करने के बाद आप चीज़ को थोड़ा सा देखो कि भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडल डाउनलोड करो, मॉडल डाउनलोड करने के बाद आप अनरैप करो, टेक्सचर करो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। फिर लाइटिंग पे आओ, ये लाइटिंग मैच करते हो, आपको देखना है कि भाई एक लाइट यहाँ पर है, एक लाइट यहाँ पर है, ये कैसे आ रहा है, इधर से इतना बड़ा मेजर शैडो कैसे आ रहा है, जबकि आप ये सीन डाउनलोड करोगे तो सिर्फ इतना ही पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं कोई चीज़ करूँ तो मुझे कैसे करना है, सामने वालों को नहीं पता चला, जैसे यहाँ ऐसे लगेगा कि कहीं बाहर विंडो से कहीं लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बाहर से इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन सीन को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ और लग रहा है। आप हर एक 6 रेंडर से 6 रेंडर में आपको अलग अलग चीज़ मिलेंगी क्या, ठीक है। उसके बाद आपको बस थोड़ा सा ये भी देखना है कि देखो ये आपको थोड़ा सा पार्ट भी देखना है, मॉनिटर के कुछ कलर्स भी होते हैं क्या, मॉनिटर के क्या आप व्यूज़ देख रहे थे कि लाइक अलग अलग मॉनिटर में, जैसे यहाँ पे मेरे सामने दो मॉनिटर है, यहाँ पे अगर दोनों में देखो तो दोनों के कलर भी अलग अलग दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर लाइटिंग बेसिक्स एंड गुड प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जिसको आपको थोड़ा सा देखोगे तो आइडिया मिल जाएगा क्या यहाँ पे, तो कुछ कुछ पार्ट्स में आपको एक रफली एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ने वाली चीज़ें पढ़ने यहाँ पे। लाइट सामने देखा, पॉइंट लाइट क्या है, किस टाइप से लाइक लाइट का इम्पैक्ट देता है, अगर बीच में यहाँ पे है तो लाइक चारों तरफ इक्वली शेडो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ये कर रहे हैं देखिए यूनिफॉर्मली, यहाँ पे देखें यूनिफॉर्म डायरेक्शनल है, यहाँ पे इमिट करता है लाइट यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो ये भी पार्ट है। आइकन जैसे बता रखा है, जैसे मैंने आपको बाकी सब लाइटों में मैंने बताया कि पहले आइकन को आपको रिकोगनाइज करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं कि लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्पॉटलाइट कहाँ का यूज़ हो सकता है, हमने देखा स्पॉटलाइट के यूज देखे, यहाँ पे देखो इसके अंदर लैंप के अंदर भी दे रखा है, यहाँ पे लैंप के अंदर आपको दिखाना है तो कैसा इम्पैक्ट आएगा, किसी चीज़ को फोकस करना है तो कैसे फोकस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बता रखा है ना कि लाइक स्पॉटलाइट इल्यूमिनेशन इज लिमिटेड टू अ कोन अ एम है ना स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, तो वो पूरा पार्ट यहाँ पर गिवन है कि भाई एक कोन टाइप से लाइट है, स्पेसिफिक एंगल में काम करता है, ठीक है। ऐसे आपको एक लैंप लाइटिंग है, अभी क्या कुछ चीज़ को आपको देख के भी करना है, दुनिया भर की चीज़ मैं भी आपको नहीं कर पाऊंगा, मैं भी आपको कुछ टॉपिक कवर कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको लाइटिंग बताने वाला हूँ, आपको मैं मोड ऑफ लाइटिंग बता दूंगा, ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ आपको पता चल जाएगा। जैसे ऐसा सीन है, ये सीन भी हम लोग करेंगे क्या, कि इस सीन में दिखाया गया कि यहाँ पर लाइटें अलग अलग रखी हैं, लाइट अलग अलग रखने के बाद यहाँ पर देखो कितना हार्ड स्पॉट दे रखा है, यहाँ पर पेनम्बर एंगल के साथ प्ले करना है, ड्रॉप ऑफ के साथ प्ले करना है, तो आप ऐसा इम्पैक्ट दे सकते हो। तो लाइट का लाना, बाहर से लाइट जो आ रही है, हार्ड लाइट आ रही है, मेजर लाइक विंडो से लाइट आ रही है, तो ये मेरे पास की लाइट हो जाएगा, यहाँ पर लाइट बाउंस होगा, ठीक है। लाइट बाउंस कहाँ कहाँ होता है, ये आप जब फोटो क्लिक करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या, सिंपल सा पार्ट है। आप जब तक लाइट को समझना है तो रियल लाइफ को आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे क्या काम करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बस चीज़ दिखें, यहाँ पे लाइक चीज़ अलग अलग टाइप से चीज़ें हैं, लाइट कैसे रियल लाइफ में कैसे लाइट होता है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन लाइट है, एक एंगल में डायरेक्शन देगा यहाँ पे, ठीक है, तो लाइक एज ए सन वर्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या पैरेलल शैडो देते हैं आपको यहाँ पे, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ को स्टडी करो ताकि आपको आइडिया मिले, ए लाइट किस टाइप से काम कर रहा है, लाइक एक एंगल वाइज काम कर रहा है, ठीक है। लाइट साइज को बड़े छोटे करने पे उसका इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना, ठीक है। सॉफ्टवेयर इल्यूमिनेशन के लिए काम आता है, तो वो चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी चीज़ें मेरे पास ऐसे, जैसे हमने इन्वायरमेंट लाइट दिया, अभी इन्वायरमेंट लाइट का एग्जांपल बहुत अच्छा है, जैसे हम लोगों ने आर्नोल पे हम लोगों ने लाइट का इम्पैक्ट दिया, तो वहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंट का लाइट का इम्पैक्ट भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। एम्बिएंट लाइट एज यू नो जैसे फ्लैट कर देता है सीन को, है ना, और
यहाँ पे क्या कहता है, ये रिचनेस एंड शेडिंग पे, लाइक यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे जो शेड है जो पार्ट है, जैसे मैंने बताया डिफ्यूज पास बनाने के लिए काम आता है, तो वो लाइक उस चीज़ के लिए बहुत यूज में आएगा। डीके, डीके भी हमने देखा, डीके में क्या क्या पार्ट है, डीके क्या होता है, लाइक सिंपल सा पार्ट डीके की लाइट ग्रेजुअली धीमे धीमे कम होती है, क्या तो वो पार्ट भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डीके के अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे नन एक ऐसा ऑप्शन है लाइक जिसमें कुछ यूज़ नहीं करना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लीनियर आपका क्या है कि लाइक क्वाड्रिक और नन के बीच का एक पार्ट बनाया गया लीनियर। क्यू आपको अगर याद होगा लेकिन हम लोग मैथ में पढ़ा ना, ए की पावर टू, ए की पावर थ्री, तो क्यूबिक का आपका थ्री वाला पार्ट है, यहाँ पे क्वाड्रिक आपका टू वाला पार्ट है, ठीक है। ए की पावर मतलब कि अगर मैं कहूँ टू की पावर टू है तो टू इंटू टू करेंगे, मतलब अगर मेरे पास जो लाइट का इम्पैक्ट दो आ रहा है, दो पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो अगर मैं लीनियर पे जाऊँगा तो मुझे चार रखूँगा तो वैसे इम्पैक्ट आएगा उसके आसपास, ठीक है। तो आइडिया मिल जाता है। अभी मैंने कहा टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री का मतलब क्या है कि टू इंटू टू इंटू टू एट हो जाएगा ना, तो टू इंटू टू इंटू टू हमारे पास एट आएगा। तो ऐसे में अमाउंट मल्टीप्लाई करके चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा डीके में कैसे क्या काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे देखो सीन है, सीन में कैंडल लाइट है या मैस्टिक की लाइट है, तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे मैस्टिक है तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा लाइट कहाँ कहाँ लगेगा। अभी आप सीन को देख के समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा सीन है, इस सीन के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे कैसे ब्लूश लाइट आ रहा है, यहाँ पे कैसे एक वार्म लाइट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा भाई लाइट कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे सीन दिख रहा है यहाँ पे, अभी ये इंटीरियर का पार्ट है, बाहर से लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है, शैडो कैसा आ रहा है, इन सब चीज़ को थोड़ा सा आपको स्टडी करना है। हमने देखा भाई इमेज डिफ्यूज देखा, इमेज स्पेक्युलर देखा, स्पेक्युलर में कैसा आता है, ठीक है, डिफ्यूज में कैसा आता है, और दोनों मिक्स करके कैसा आता है, चेक किया ना हमने, ठीक है। यहाँ देखो जो कैरेक्टर हमने दिखाया, एक लाइट का इम्पैक्ट यहाँ दिया, अभी देखो हमने जब रेंडर देखा, रेंडर में हमने पता चला गया कि वहाँ पर लाइट एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर मैं लाइट जलाऊंगा तो लाइट का इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, तो वो चीज़ जब ध्यान होगा जब मैं लाइट को ऑब्जर्व करूँगा। अभी देखो यहाँ पर अगर आपने देखा इसमें, तो यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे लगाया, तो भाई यहाँ ऐसे लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे तो ग्लो कर रहा है, यहाँ पे अपने आप आना चाहिए लेकिन वैसा नहीं है, तो वहाँ पे लाने के लिए एक लाइट हम लोग यहाँ पे और लगा देते हैं, तो ये बेसिक फंडा आपको क्लियर हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एज आपको लाइट है, लाइट को लेकर आप जैसे प्रोजेक्ट करते हैं ना, कोई चीज़ मूवीज देखने जाते हो आप प्रोजेक्टर से ही प्रोजेक्ट किया जाता है, वैसे यहाँ पे कुछ एक टाइप से ये रखा गया, यहाँ पे लाइट कैम्पैक दिया तो कुछ लाइटें रुक रही हैं, कुछ लाइटें क्रॉस कर जा रही हैं, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं कि ठीक है कि हम लोग ऐसा कुछ यहाँ पे देखें कि अगर चीज़ों को क्रॉस करने की देखें तो इज़ इट पॉसिबल है क्या। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रोम पे गए मैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्री टी आर ट्री ALPH अल्फा, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, ठीक है, कलर वाइज लाइक मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे टूल्स पे गए और इमेजेस, ठीक है, अभी बस ट्रीज है, ट्रीज का मैं इज इट पॉसिबल, मैं यहाँ पे चलता हूँ, टूल्स साइज है, कलर है, कलर मुझे चाहिए ब्लैक में, ठीक है। अभी मैं ऐसा कोई एक लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई है मेरे पास इमेज ऐसा कुछ, ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे, ठीक है, अल्फ़ा ही लेना पड़ेगा मुझे, ALPH अल्फ़ा, सपोज मैं कोई भी इमेज उठा लेता हूँ यहाँ पे जो मेरे से यहाँ पे अल्फ़ा मिल जाए यहाँ पे, ठीक है, फॉर टाइमिंग मुझे यूज़ करके देखना है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे चीज़ें कैसी है, मैं अगर चीज़ों को यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो ऐसा कुछ मैं पार्ट लेता हूँ, चलो मेरे पास फाइल है मैं देता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये पार्ट है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं एक सिंपल सा एक पार्ट ले लूँ यहाँ पे, मैं क्लिक करके यहाँ पे एक कलर में फिल कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, कलर फिल क्या करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, मैंने इनवर्स ऐसे करके दिया, ठीक है, एक पार्ट मैं ऐसा रखता हूँ, फाइल सेव एज, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर ए टाइमिंग मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, ट्री यहाँ पे मैंने क्या किया, जेपेग, ठीक है, ऐसा कुछ सेव किया मैंने यहाँ पे। अभी इसको मैं कंट्रोल आई कर देता हूँ यहाँ पे, फाइल सेव एज, मैं इसको भी लेके चलता हूँ, ठीक है, तो आपको दोनों ऑप्शन में दिखाता हूँ यहाँ पे,
इज द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे गए, लिट पे गए यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं जेपेक, ठीक है। तो आपको दोस्तों आपको आइडिया मिलने वाले हैं, ठीक है। ये मेरे पास माई फाइल है, माई फाइल में चलते हैं, यहाँ पे न्यू कर दिया, सिंपल द पार्ट। पॉली प्लेन लिया मैंने आर फोर स्केल, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैंने यहाँ पे एक मॉडल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट करते हैं, क्रिएट पे गए, यहाँ पे मैंने क्या क्या लाइट लिया, यहाँ पे मैंने क्या क्या स्पॉट लाइट लिया, ठीक है। स्पॉट लाइट पैनल लुक टू सेलेक्टेड, ये देखो ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया। अब यहाँ पे मैं ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टारगेट 7, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या टारगेट नॉर्मल, हाँ सॉफ्टवेयर में चलते हैं, ठीक है। शैडो ऑन कर लेते हैं, शैडो भी आपको याद हो चुका होगा, यूज डेपथ शैडो एंड फिल्टर साइज 4 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने किया, अभी इज इट पॉसिबल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कलर पे गया, कलर एंड इंटेंसिटी, तो पहले कलर पे प्ले करके देखते हैं। फाइल पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, डेस्कटॉप लिट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं रेंडर करके देखूँ, यहाँ पे रेंडर करके कुछ आ रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से क्या लग रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि भाई मेरे पास एक लाइट है, 7 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शेडिंग पे गए और यहाँ पे शेडो भी यहाँ पे ऑन करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से मुझे देखने से क्या लगे। मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे पास शेडो आ रहा है। अब शेडो किसका आएगा, पेड़ का ही आएगा, पेड़ का दिख रहा है यहाँ पे, पेड़ का दिख रहा था, मतलब यहाँ पे कहीं पेड़ से लाइट छन के आ रही है ना यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे तो ये दिखेगा ना, यहाँ पे तो क्या ये हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर लेते हैं कि अगर मैंने दिखाया यहाँ पे कैसा इम्पैक्ट आ रहा है। जनरली कोई भी देखेगा समझेगा यहाँ पे भाई ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इम्पैक्ट अलग आ रहा है। तो यहाँ पे क्या इसे बोलते हैं लाइट चीट। लाइट चीट का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास चीज़ें नहीं है, पेड़ नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं, लेकिन मैंने ऐसा दिखा दिया, देखने वाले को तो यही लगे भाई पेड़ का साइड हो तो मतलब पेड़ होगा, है ना। तो ऐसे करके भी लाइक लाइट को चीट किया जाता है क्या आपको, लाइक इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे कोई काम करते हो। तो यहाँ पे एक मैनिपुलेटर भी है, देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको देखो यहाँ पे कुछ कुछ इंपैक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये देखो रेडियस यहाँ पे, मैं ऐसे भी मैं प्ले करके देख सकता हूँ, मैं जरूरी नहीं मैं उस पैरामीटर पर, इस पर फिर से क्लिक किया फिर कुछ और भी आ गया, देख रहे हैं यहाँ, सॉफ्टनेस है ना। फिर से क्लिक करेंगे फिर मेरे पास यहाँ पे बारटोन आ जाएगा। बारटोन मतलब ये चीज़ लाइक एक एरिया वाइज क्या होगा कि वो चीज़ें कम होती जाएंगी, हर एक पार्ट में कुछ अलग अलग पार्ट भी आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो कंट्रोल ए प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे शायद ये ऑप्शन मैंने आपको भी मुझे बताना बाकी था तो मैंने भी आपको बताया नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको वन वन करके मिलेंगे क्या, ओके। लाइट्स इफेक्ट्स हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे, ठीक है। डी के रीजन था यहाँ पे, रीजन आप डी के वन पॉइंट रीजन में यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यू डी के रीजन भी है यहाँ पे, डेप्थ मैप भी है यहाँ पे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिर डी के ये बारडून देखें यहाँ पे, ये बारडून वाला पार्ट यहाँ से मैं अगर ऑन कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा, कैसे कैसे इम्पैक्ट दिखेगा देखो। अब यहाँ से अभी ये इम्पैक्ट कैसे दिखेगा भाई, यहाँ से कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, लाइट इम्पैक्ट दिखा यहाँ पे, यहाँ पे दिखा भाई पेड़ का कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर विजुअल है। तो ऐसे करके चीज़ों को प्रोजेक्ट भी करते हैं, चीज़ों को मैनेज भी करते हैं। तो इसे भी हम लोग अभी क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी ये चीज़ हमें आइडिया मिला कि मैं कैसे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे में विंडो नहीं हो, मैंने क्या कि विंडो का उठा कर लगा दिया, विंडो ऐसे दिखाते भाई विंडो के अंदर स्लाइड करें। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आने चाहिए क्या, तो अगर आप कोई भी काम ऐसे करते हो तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ऐसा सीन दिखाई, सीन पे क्या दिखाया कि मैं यहाँ पे पेड़ का शैडो आ रहा है, ठीक है। मेरे पास पेड़ ही नहीं है, पेड़ का अल्फा उठाया लाइट में लगा दिया, ऐसे दिखाया भाई पेड़ के अंदर से छन के आ रहा है कुछ। तो ऐसे भी लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक कैसे क्या काम करना है उस चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है। देखो यहाँ पे क्या शैडो एंड ऑक्लूजन, शैडो पे आपको वर्कआउट करना है भाई, शैडो आपको कैसे रखना है। अभी जैसे कभी आप मूवी सीरीज या कोई वो देखते हो, क्या बोलते हैं ऐड देखते हो, तो किसी ऐड में ऐसे भी दिखाते हैं कि भाई कैरेक्टर खड़ा है उसके पीछे एक किसी डेविल का शैडो आ रहा है, खांस रहा है, तो ठीक है। तो कैसे करते हैं, कैरेक्टर को रख लिया ग्रीन स्क्रीन पे, दूसरा किसी और का लेकर उसका लाइक शैडो अलग ले लिया, दोनों को उठा के लगाते हैं। जैसे ये देखो इसी दिख रहा है अभी मेरे पास छोटा सा ही पार्ट है, अभी इतना बड़ा शैडो कैसा आया, तो उसको क्या करते हैं एक इसी की कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद क्या किया उसको, उसका सिर्फ शैडो लिया, प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ कर दिया, ठीक है। देखो सिंपल सा पार्ट दिखाता हूँ, अभी देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत ही बेसिक सा फंडा समझने की कोशिश करना। ये पार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे क्या किया,
लग किया मैंने यहाँ पे मैंने इसको मैंने कर दिया ब्रेक, ठीक है ब्रेक कर दिया, ब्रेक कनेक्शन यहाँ पे आगे, ठीक है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मॉडल ये है शैडो को, मैं थोड़ा हार्ड कर देता हूँ, शैडो मुझे पता है ना शैडो कैसे काम करते हैं, बस लग किया मैंने यहाँ पे, ठीक है शैडो मैंने यहाँ पे कर दिया 1024, ठीक है फिल्टर साइज 4 है, यहाँ पर मैंने क्या किया थोड़ा सा ऊपर कर दिया यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, अभी इमेज मॉडल ऐसा तो शैडो इसी का दिखना चाहिए है ना। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया इनमें से राउंड शैडो दिखा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया मैं इसका शैडो यहाँ पे मैंने बॉक्स लिया, ठीक है डब्लू आर फॉर स्केल, ठीक है अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको मैं रखता हूँ, देखना अभी ये इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है अभी इसका मैं अगर मैं रेंडर कर रहा हूँ तो रेंडर करने पर क्या आ रहा है शैडो किसके इसके आ रही है, ठीक है तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इस वाले मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने प्राइम विजिबिलिटी ऑफ कर दिया, शैडो किसकी आ रही है बॉक्स के, मॉडल कैसा है मेरे पास ये है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज़ हम लोग जस्ट जैसे मैंने इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे की, ठीक है मेरे पास यहाँ पे इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दिखे, अभी यहाँ पे कास्ट शैडो करा इसका मैंने यहाँ पे क्या किया इसकी प्राइमरी विजिबिलिटी इसकी कास्ट शैडो ऑफ कर दिया, कास्ट शैडो मतलब जो शैडो आप कास्ट करने वाले वो ऑफ हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मॉडल आपका ये है, मॉडल अगर मेरे पास टॉर्च है तो शैडो कैसी आनी चाहिए, टॉर्च जैसी आनी चाहिए ना, हाइट जैसी ट्यूब जैसी आनी चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन शैडो किसके आ रहा है किसी और का। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आता है कि भाई अगर आप चीज़ों को मैनेज कर दो, इसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया आर फॉर स्केल और थोड़ा सा बेटर वे में दिखाता था, यहाँ पर सेट कर दिया देखो यहाँ पे किया शैडो इसकी ऐसी आ रही है, ठीक है मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये प्लेसमेंट आपको देना पड़ेगा यहाँ पे देखो। तो अभी इसकी शैडो ये कैसे आ सकती है, टेक्निकली कोई गए तो नहीं सोचेगा नहीं आएगी, यही गेम प्ले करते हैं क्या, लाइक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता है तो आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ये गेम प्ले यहाँ पे क्या है इतना छोटा मॉडल इसका बड़ा शैडो कैसे आएगा, वैसे हम लाइक एंगल रखेंगे तो थोड़ा सा आगे, लेकिन क्या है इसको भी लाइक डील किया जाता है कि लाइक इसमें अलग अलग टाइप से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो ऐसे भी टिप्स एंड ट्रिक्स सामने से रखेंगे तो वैसे भी शैडो आ सकता है, लेकिन कुछ चीट भी होता है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा लाइक कैरेक्टर वाइज की भाई कैरेक्टर के साथ आप डील कर रहे हो तो कैरेक्टर का शैडो कैसे आ रहा है। कोई एक सीन में सिंपल सा पार्ट है, एक सिंपल सा आपने वॉस लिया वॉस का शैडो देखो शैडो का किस टाइप से पार्ट दिखाना है, यहाँ पे कैसे शैडो दिखा रहे हैं, अब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है उसका शैडो इस पर दे रखा है कैसे डील करेंगे, ये सब चीज़ आपको पहले से सोचना है। जो मैंने आपको प्रोजेक्ट वाला पार्ट बताया यहाँ पे देखो मेरे पास विंडो नहीं है, लेकिन मैंने दिखाया कि बाहर से लाइट आ रही है और लाइट के ऐसे छन के आ रही है, तो जरूरी नहीं है विंडो ही होगा, लेकिन क्या है सामने वाले को तो ये लगेगा कि भाई विंडो ही है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी नॉलेज में रहना चाहिए, ठीक है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करो चीज़ों को कि भाई कैसे क्या पार्ट है शैडो किस टाइप से है। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर अभी आपको थ्री पॉइंट लाइटिंग बताऊंगा यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइट कंपैक्ट दिखे यहाँ पे यहाँ नीचे शैडो कितनी दिख रही है, लेकिन रियल लाइफ में अगर ये कोई भी कैरेक्टर बाहर है तो सन तो एक ही है ना हमारे पास, अभी सन एक है तो एक ही शैडो आना चाहिए, तो यहाँ पे मल्टी शैडो नहीं दिखा सकते। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए भाई कैसे क्या डील करें। तो ये सारा पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या शैडो का कलर, वैसे यूजली सब लोग कहते हैं शैडो का कलर ब्लैक होता है, लेकिन कभी शैडो का कलर ब्लैक नहीं होता क्योंकि हमारे पास जो एनवायरमेंट है ना उसका भी इम्पैक्ट हमारे शैडो पर पड़ता है। तो कभी भी लाइक आपको क्या करना है लाइटिंग करते हो आपको यही ध्यान देना है कि एग्जैक्ट जेड ब्लैक नहीं रखना, क्या शैडो के साथ आपको यहाँ पे कुछ ऐसा भी रखना जो आपको शैडो का कलर दूसरा है जैसे ये, ठीक है ये सीन का कुछ पार्ट है वो आपको थोड़ा सा समझोगे पार्ट आपको समझ में आएगा, जैसे ये रूम की लाइटिंग करनी है अब ये रूम की लाइटिंग कैसे कर पाओगे, ठीक है ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है कैसे करोगे, तो ये चीज़ समझना। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे स्टडी करेंगे, ये भी हमने देखा था शायद एक पार्ट और भी है सेट ऑफ मेमोरी कितना यूज़ करता है, जो हम लोग सेट ऑफ यूज़ करते हैं जैसे 128 किया तो यहाँ पे 0.6 MB, एज ए लाइटिंग आर्टिस्ट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए क्या 256 अगर यूज़ किया 256 यूज़ किया तो 0.2 MB, ठीक है हम सब यूज़ किया तो 1 MB, 1 के किया तो 4 MB, ठीक है तो ये क्या मेमोरी यूज़ में आ जाती है 2K 16 MB एंड 4K 64 MB, तो ये इतनी मेमोरी यूज़ करता है क्या। तो ये चीज़ भी आपको इसलिए ताकि आप जब यूज़ करो सिस्टम की कैपेबिलिटी थोड़ा पता रहे कैसे क्या काम कर रहे हो, ठीक है किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो चीज़ों को कैसे दिखा रखा है लाइक डेप्थ में है बायस का होता है बायस क्या होता है यहाँ पे शैडो देखो शैडो यहाँ पे शैडो को मैं थोड़ा सा इधर उधर मैं मूव करूँ तो मैं उसे थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ कि लाइक मुझे इसका शैडो एग्जैक्ट मॉडल के वहीं से स्टार्ट ना हो तो आगे से स्टार्ट हो बायस से हम लोग प्ले कर सकते हैं, ठीक है यहाँ देखो लाइट कैम बाहर से अंदर आ रहा है येलो आ रहा है मतलब डे के टाइम है, ठीक है यहाँ पे स्काई दिख रहा है ओके अंदर के बाद कैसे लिट हो रखा है, तो वो चीज़ आपको समझना है। यहाँ देखो यहाँ पर चीज़ को देखोगे तो जब भी मैं सभी यहाँ पे क्या होते हैं यहाँ पे हम लोग कोई काम करते हैं यहाँ पे तो जो मेरे पास ब्लिन है जैसे यहाँ पर दिखा था आपको यहाँ पे मैंने क्या किया एक मैंने यहाँ पे सिंपल सा पॉलिश पेयर मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है
ठीक है, आर4 स्केल किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक असाइन ब्लिन कर दिया, ब्लिन किया मैंने, ट्रांसपेरेंसी कर दी फुल। ठीक है, अभी ट्रांसपेरेंसी मैंने कर दी यहाँ पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कलर कर दिया ब्लूज। ठीक है, मैं रेंडर करता हूँ, अभी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मेरे पास शैडो कैसा आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, लेकिन ये तो ट्रांसपेरेंट है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे कभी आप चीज़ों को यूज़ करते हो तो ट्रांसपेरेंट शैडो के लिए मुझे अलग से यहाँ पे धापा को छोड़ के यहाँ पे रिट्रेसिंग पे आना पड़ेगा। ठीक है, अभी रिट्रेसिंग हमने ऑन किया, आया क्यों नहीं, यहाँ से सेटिंग यहाँ पास होता है क्या, रेंडर सेटिंग पे गए, माय सॉफ्टवेयर पे गए, यहाँ पे रिट्रेसिंग क्वालिटी यहाँ पे ऑन करना पड़ता है, आया। तो ये टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो किस सब्जेक्ट से, मेरी लाइफ में बोतल है, बोतल अगर बोतल पे लाइट पड़ रहा है, उसका शैडो आता है तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, तो ट्रांसपेरेंट शैडो दिखना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जैसे हम लोगों ने बात की रिफ्लेक्शन का, राइट क्लिक असाइन, यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्लेन किया, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ गया, तो ये आपका शैडो, ये आपका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा यहाँ पे कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने रेंडर किया यहाँ पे, देखना भाई ये रिफ्लेक्शन कब आता है, जब मैं यहाँ पे अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या है, ना तो रिफ्लेक्शन आया और ना आपको ऐसा शैडो आया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि रेंडर सेटिंग गए, रे ट्रेसिंग क्वालिटी पर आप जाओगे यहाँ पे, ये आपका जो नंबर होता है 5 एंड 5 शैडो का पार्ट यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा मैनेज करना है, मिनिमम 5-5 लेके चलोगे तो भाई रिफ्लेक्शन की थोड़ा क्वालिटी, थोड़ा पार्ट आपको थोड़ा बेटर दिखेगा क्या आपके यहाँ पे। तो ऐसे करके आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सी है जिसको हमें स्टडी करना है, ठीक है, चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम लोग देखें यहाँ पे, तो भी हम लोगों ने अलग चैप्टर 2 तक देखा है भाई कैसे क्या पार्ट करना है, ऐसी भी कोई चीज़ रखेंगे उसको कैसे कास्ट करेंगे यहाँ पे, चीज़ें बहुत सी हैं, बस आपको थोड़ा सा स्टडी करना है कैसे मैं क्या काम कर सकता हूँ, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थे, क्लोजिंग फेसिंग इस पे थे ना हम लोग यहाँ पे, कैसे थोड़ा सा हमें थोड़ा सा मैनेज करना है कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, शैडो वाले पार्ट को हमने समझे यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा चीज़ को थोड़ा सा समझो कि लाइक हार्ड शैडो कब आता है, ठीक है, कब हमें हार्ड शैडो रखना है, कब सॉफ्ट शैडो रखना है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप लाइटिंग के क्लिक करो तो आपको आइडिया मिलेगा, एक अभी मान लो कि अभी ऐसा बरसात का मौसम है तो इस टाइम पे कैसे शैडो आ रहा है, जिस दिन धूप ज़्यादा निकले उस टाइम पे क्लिक करो तो किस टाइम आपका शैडो कैसा दिख रहा है। तो जब तक आप शैडो को स्टडी नहीं करोगे तो सामने वालों को समझना मुश्किल रहेगी कि अभी यहाँ पे सॉफ्ट शैडो कब आ रहा है, यहाँ हार्ड शैडो, तो यहाँ पे हार्ड शैडो कब आ रहा है। ठीक है, तो शैडो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या, सॉफ्ट कब होगा, हार्ड कब होगा, ये स्टडी करना पड़ेगा आपको, तब आपके चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आगे चल के हमें लाइटिंग को मैच करना पड़ेगा स्टूडियो में जाके, तो उसके लिए हमारे लाइट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑक्लूजन जैसे मैंने आपको बताया एम्बिएंट ऑक्लूजन, ठीक है, ऑक्लूजन वाला पार्ट है, ऑक्लूजन को कैसे डील करना है, बाकी पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ओके, फेक शैडो जैसे मैंने आपको बताया, फेक शैडो अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं कर सकता हूँ, शैडो के लिए मैं अलग लाइट लगा के करता हूँ क्या, ऐसे नहीं कि हाँ मुझे इसके लिए चाहिए, फेक शैडो का भी पार्ट आपके पास अलग आएगा। ये देखो मॉडल दिख रहा है आपके यहाँ पे, मॉडल ऐसा कुछ किया, यहाँ से कुछ ऐसे इम्पैक्ट दिया यहाँ पे, तो अभी ये ज़रूरी नहीं मैं इसकी शैडो जनरेट कर रहा हूँ, इसका शैडो आया तो ठीक है, नहीं तो मैं फेक शैडो भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ ऐसे जैसे हम लोग यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लाइट बेकिंग भी आता है, लाइट बेकिंग क्या होता है, जहाँ मैंने मॉडल उठा कर रखा वहाँ पे लाइट का बेक अपने आप आ जाता है। जो गेमिंग में जाते हो ना, गेमिंग में आपको काफ़ी चीज़ लाइट बेक करके यूज़ कर लेते हैं, लाइट बेक कर लोगे तो लाइट का इम्पैक्ट आपके मॉडल पर आएगा, आप लाइट डिलीट कर दो तो फिर भी आपका लाइट का इम्पैक्ट देखेगा, वो लाइट बेकिंग होता है, तो उसकी मैं क्लास रखूँगा क्या, हाँ टेक्सचर जैसा काम करता है। ठीक है, तो ये पूरा एक पार्ट है, चलो